दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप सबको वाराणसी से लगभग 90 किलोमीटर दूर रावर्टगंज ज़िले से नज़दीक मारकुंडी पहाड़ी पर स्थित वासोनिको पॉइंट के पास लुबीर लोरिक पत्थर स्मारक पर लाया हूं। आइए चलिए मैं आपको ले चलता हूं वीर लोरिक पत्थर स्मारक पर। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं सोनभद्र के मारकुंडी पहाड़ी स्थित सोनिको पॉइंट पर स्थित हूँ और यहीं पर से नीचे सोन वैली का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये सामने छोटा सा तालाब और सामने मंगलेश्वर महादेव दिखाई दे रहे होंगे, वहीं पर आज हम लोग जाने वाले हैं और नीचे जो सामने से रास्ता जो गया है उसी रास्ते से हम लोग जाएंगे ऊपर। और ये रहा सोन इको पॉइंट। निर्माणाधीन गणेश भगवान की मूर्ति के आसपास दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको फिर सोनभद्र के सोनिको पॉइंट के पास वीर लोरिक पत्थर के दर्शन हेतु लाया हूँ। ये वीर लोरिक पत्थर स्मारक जो सामने दिख रहा है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ वीर लोरिक का वह ऐतिहासिक पत्थर जिसको कि तलवार के एक ही वार से दो टुकड़ों में कर दिया गया महाराज वीर लोरिक द्वारा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सोनभद्र के ऐतिहासिक स्थान जहाँ पर अघोरी साम्राज्य को समाप्त करने के बाद, मुलागत को हराने के बाद, रानी मंजरी से शादी के पश्चात वीर लोरिक पत्थर पे आपको ले चल रहा हूँ। चलिए देखिए सामने महाराज वीर लोरिक की प्रतिमा लगी हुई है। लोरिक पत्थर स्मारक और सामने यहाँ से इस सोन घाटी की खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वीर लोरिक पत्थर देखिए 20 से दो भागों में बटा हुआ है महाराज वीर लोरिक द्वारा तलवार के एक ही बार से दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया अपनी बुजुरिया नामक तलवार से। काफी विशाल पत्थर